नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज सबसे पहले हम खासतौर से बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी। आज के विषय आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की और बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, ये आज के हमारे विषय जिस पर आपको हम जानकारी देंगे। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए जो विषय हैं इनसे संबंधित, अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, इनके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका आपसे हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SS तोमर जी, जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार में। साथ ही मौजूद हैं श्री PC सुधाकर जी, जो कि उप प्रबंधक हैं AIC ऑफ इंडिया नई दिल्ली से। और साथ ही मौजूद हैं श्री भास्कर पंत जी, आप महाप्रबंधक हैं नाबार्ड में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें लगातार हमने देखे बदलाव जो हैं वो होते रहे, यानी जो किसानों की मांग है वो पूरी की गई। अगर देखा जाए यहाँ पर सुधाकर जी, क्योंकि बदलाव लगातार हमने देखे हैं और ख़ासतौर से सरकार का भी यही कहना है कि जो किसान चाहता है उस पर ध्यान दिया जाए, किस तरह का बदलाव, एक मूल परिवर्तन जो हाल ही में हुआ है? देखिए, किसान भाई को शायद जानकारी अब तक हो भी गई होगी, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसमें पहले किसानों की काफ़ी शिकायतें आती थी कि ज़बरदस्ती उनका बीमा करा लिया जाता है। तो भारत सरकार ने उनको एक ऑप्शन दे दिया है, जो भी ऋणी किसान हैं वो चाहें तो योजना से अपने आप बाहर हो सकते हैं। उनके लिए उनको छोटी सी काम करनी होगी, अपने बैंक में जहाँ से उनका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जी, वहाँ जाएँ और एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के उनको दे दें कि वो योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं जी, या उसमें से अगर कुछ और भी फसलें हैं, 4-5 फसलें हैं तो किस फसलों में योजना में शामिल होना चाहते हैं वो बता दें, और योजना से वो आराम से जिसमें भी योजना चाहे उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं, ना चाहें तो योजना से बाहर भी हो सकते हैं जी। बिल्कुल, यानी इसे अब स्वैच्छिक बना दिया गया है, किसान अगर चाहता है तो वो अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। और ये ज़रूरी कि लगातार जो नया परिवर्तन आता है, नई जानकारी आती है, वो आप तक पहुँचे। फिलहाल इस योजना को लेकर अगर आप कुछ और भी सवाल हैं तो आप पूछ सकेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेतों में लगी फसलों पर प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने का डर बना रहता है। असमय हुई बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बाढ़ जैसी स्थिति से फसलों के नुकसान का डर बना रहता है। ऐसी आपदा से किसानों के दर्द को कम करने और आर्थिक तौर पर संबल देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। हालांकि पहले 50% नुकसान पर बीमा दिया जाता था, लेकिन अब 33% नुकसान होने पर बीमा की रकम किसानों को मिल जाती है। हाल ही में इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम की हिस्सेदारी को बदलकर 90% केंद्र और 10% राज्य को किया गया है, जो कि पहले 50-50% था। किसान बीमित राशि का खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 50% दे है। तो जाना आपने इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसमें आप जो विकल्प दिया गया है वो स्वैच्छिक का है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। अलग अलग फसलें हैं जिनको इस दायरे में लाया गया है। और जाहिर तौर पर पहले जो किसानों की शिकायतें होती थी कि दूर दराज के इलाके में अगर किस तरह का नुकसान होता था वहाँ पर भरपाई होती थी, अगर एक किसान को नुकसान पहुँचा है तो वहाँ पर भरपाई नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ अब हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि अगर एक भी किसान को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई की जाए। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड की, यहाँ जो कि किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जब ऋण की बात की जाती है या हम कहें कि किसानों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इस बारे में भास्कर जी आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, अगर
आवश्यकताएं लगातार एक किसान की रहती हैं और उसकी पूर्ति के लिए हम मान सकते हैं कि जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो काफ़ी लाभकारी। हाँ, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 में, जैसे हम सभी किसान भाई भी शायद जानते होंगे, शुरुआत हुई थी जी। और सभी वाणिज्यिक बैंक हैं, सभी बैंकों के माध्यम से, कोऑपरेटिव हों, ग्रामीण बैंक हों, या फिर आप जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो नए शुरू हुए हैं, वो उनके माध्यम से वहाँ ऋण मिल सकता है। भारत सरकार ने इसमें सालों सर उसमें कुछ ना कुछ उसमें नयापन लाते रहे जी। और उसमें 2004 में उसको इसके साथ उसमें निवेश ऋण को भी उन्होंने जोड़ा। 2013-14 में उन्होंने उसको EKCC में कन्वर्ट किया ताकि उनको एक डेबिट कार्ड दे के उनको किस तरह से ATM के माध्यम से और भी सुविधाजनक बना सके जी। 2018-19 में भारत सरकार ने अपने बजट में कहा था कि उससे पहले, क्योंकि ये सिर्फ फसली ऋणों के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता था, उसके बाद उन्होंने 2018-19 में इसमें डेयरी और मत्स्य पालन के भी जो कृषक हैं उसका प्रावधान रखा गया है जी। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ जो पहले हम कहते थे कि फसल के लिए आपको बीज की आवश्यकता है, मशीन की आवश्यकता है, तब केसीसी काम आता था। अब लेकिन अगर आप डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं या मछली पालन भी आप करते हैं तो वहाँ भी यहाँ आपको ऋण मिल सकता है। 2 लाख तक का प्रावधान इसमें किया गया है। किस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है, इसलिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि किसानों को कृषि के हर क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कभी कभी किसान कृषि की छोटी छोटी जरूरत पूरी करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने कृषि ऋण का प्रावधान रखा है जो कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और कृषि यंत्रों को लेने में सहायता करते हैं। वर्तमान में देश भर में किसानों की भलाई के लिए व्यापक रूप से 13 योजनाएं और 18 उप योजनाएं हैं। साथ ही बैंकों को निर्देश है कि वो किसानों को ऋण आवंटन में प्राथमिकता दें। इस सुविधा को सरल बनाने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड यानी KCC उपलब्ध कराए जाते हैं। 4% की मामूली ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। आवेदन करने के 15 दिन में ही किसान को ऋण की राशि मिल जाती है। साथ ही 3 लाख की सीमा तक KCC पर कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालक किसानों को 2 लाख तक की ऋण सीमा की भी सुविधा है। तो जाना आपने किस तरीके से एक आर्थिक मदद की जब बात की जाती है तो KCC अब हर किसान के पास पहुंच रहा है। और जैसा कि यहाँ पर हमें पंत साहब बता रहे थे कि पहले ATM की तरह इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो किसान हैं वो भी हाईटेक हो रहे हैं और आधुनिकता के ज़माने में वो भी यही चाहते हैं कि जो बाज़ार में नई तकनीक आती है उसको वो जान सकें और उसका इस्तेमाल भी कर सकें। साथ ही आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लेकर भी, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ डॉक्टर तोमर, अगर खाद्य सुरक्षा मिशन की जगह हम कहें कि पोषण सुरक्षा भी अब इसमें क्योंकि जुड़ चली है, किस तरीके से एक लगातार सरकार का संकल्प यही रहा है कि ना सिर्फ किसान को फ़ायदा पहुँचे बल्कि जो खाद्य सुरक्षा का भी हमारा एक लक्ष्य है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित रहे। सर्वप्रथम मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार कहूँगा। ये आपने जो पोषण की बात की है, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि हम खाद्यान्न में तो हम काफ़ी पहले से बहुत अच्छे से सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं जी। और आज हमारे पास 291 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन है जी, जिसमें से 117 मिलियन टन के करीब जो है राइस है और 106 मिलियन टन से अधिक हम जो है गेहूं का पैदावार की है, 23 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ है जी। बिल्कुल, अब हम इसमें चाहते हैं कि हम पोषण सुरक्षा का भी इसमें ख्याल रखें, इसलिए हम विभिन्न पोषक अनाजों जो हमारे मिलेट्स है जी, छोटी फसलें हैं जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, उन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय और दलहन की फसलों पर भी अधिक फोकस कर रहे हैं जी। इसलिए इस बार जो है जो हमारे पोषक अनाज है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और दूसरे छोटे जो मिलेट्स है जी, उनका भी 15 मिलियन टन से अधिक उत्पादन इस बार हमारा हुआ है जी। बिल्कुल, और साथ में जो दलहन की फसलें हैं वे 23 मिलियन
टन हम रिकॉर्ड उत्पादन हमने इस बार किया है। जी बिल्कुल, एक लगातार हम मान सकते हैं डॉक्टर तोमर के हर साल एक रिकॉर्ड उत्पादन पर हमारे जो किसान हैं हमें पहुंचा रहे हैं, और पहले आत्मनिर्भरता नहीं थी लेकिन अब लगता है कि अगर हम हैं तो पूरी तरीके से निर्यात की स्थिति जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। नहीं नहीं, अब निर्यात की तो हमें हम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली धान और गेहूं में जी बिल्कुल हम काफी मात्रा में निर्यात कर सकते हैं जी। अभी जो पोषक अनाज है और जो दालें हैं उसमें अभी हम निर्यात की स्थिति में नहीं है, और उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट है एक तरह से, लेकिन उसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार आने वाले वर्षों में विचार हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो उत्पादन में इजाफा हो रहा है और यही किसानों की मेहनत है, लगातार सरकार जो है प्रोत्साहित करती आई है अलग अलग योजनाओं के द्वारा, जिनमें से आज भी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी, जिसमें आपने जाना कि इस योजना को स्वैच्छिक किया गया है, लेकिन यहाँ जानना चाहेंगे सुधाकर जी आपसे और किस तरह की बारीकियाँ इसमें, क्योंकि अब किसान अगर कोई बीमा कराना चाहता है तो क्या कुछ और उसमें बदलाव किया गया है? स्वैच्छिक तो किया गया है लेकिन एक नया किसान अगर जुड़ना चाहे तो? देखिए इसमें किसान पहले योजना में दो तरह की बात है, दो तरह के किसान लिया गया था, एक ऋणी किसान और दूसरा अऋणी किसान जी। आज भी योजना में ऋणी और अऋणी है, लेकिन पहले योजना में ऋणी किसान के लिए कंपलसरी बीमा था, लेकिन आज ऋणी किसान चाहे तो योजना से बाहर हो सकता है। जो किसान बीमा योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहता, ऐसे उसको होना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता ही है प्राकृतिक आपदाएं कभी भी और आजकल उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, लेकिन वो चाहे बीमा योजना में न जुड़ना चाहे तो आराम से वो बाहर हो सकता है। उसके लिए जहाँ से भी उसने ऋण लिया है वहाँ जाके एप्लीकेशन लिख दे योजना में शामिल नहीं होना है, तो वो उसका बीमा नहीं होगा। और जो दूसरे किसान है जो किसी माध्यम से ऋण नहीं लेते हैं, जो केसीसी होल्डर नहीं है जी, तो वो स्वेच्छा से या तो बैंक ब्रांच में जहाँ पर उनका खाता हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो जी, या डायरेक्ट जो बीमा का पोर्टल है भारत सरकार का उसके माध्यम से, या किसी भी इंटरमीडियरी के माध्यम से, बीमा के एजेंट हैं, ब्रोकर हैं और कई सारे चैनल हैं, सीएससी हैं जो कि उनके घर के द्वार पर मौजूद है, उसके माध्यम से योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कई विकल्प हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको जानकारी यहाँ पर पूरी मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, रघुनाथ जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो रघुनाथ जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत करने के, लेकिन फिलहाल हाँ जी जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, क्रेडिट कार्ड बनवाना था, तो बोल रहे थे 1 एकड़ पे सर बनता है नहीं है। आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है कि आपको क्या कहा गया कि नहीं बन पाएगा? जी कौन से क्या क्या दस्तावेज आप लेके पहुंचे थे वहाँ पर? वही जी, खाता नंबर जी, आधार कार्ड। चलिए बिल्कुल, खाद बीज के लिए सर खाद बीज नहीं मिलता ना टाइम पे सर, इसलिए हमने सोचा कुछ करवा लें इसके। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो आपकी आवश्यकता है, जो कृषि की आवश्यकता है वो पूरी हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है सुविधा मुहैया कराता है। लेकिन पंत साहब, अगर ये नहीं बन पा रहा है तो क्या इसकी वजह हो सकती है? इन्होंने बताया कि आधार कार्ड लेके भी पहुँचे, भाई खाता नंबर भी लेके पहुँचे, क्या क्या इसमें? और देखिए इसमें सबसे पहले तो उनके उनके पास ज़मीन उनके नाम से है कि नहीं, क्योंकि जब तक उनके नाम से नहीं होगी वो किस तरह का लोन उस पर दे पाएंगे, पहले ये जानकारी लेनी जरूरी है बैंकों को जी। दूसरी ये कि वो कौन सी खेती क्या पैदावार करना चाहेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और जब तक ये जरूरी नहीं हो पाएगा तब तक वो किस तरह का उसको लोन देना है, कितना उसको अमाउंट देना है, क्योंकि वो लोन जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड का वो स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर होता है जी, और वो उसी के तभी वो उस पर बता पाएंगे कि उनको इसकी लोन के लिए वो लायक हैं कि नहीं जी। और जहाँ तक वो आधार की बात है, अभी देखिए भारत सरकार ने भी एक नई मुहिम चलाई है, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया कि जिसमें कि उन्होंने हमारे देश में मानना है कि तकरीबन 14.5 के करीब हमारे करोड़ जो हैं वो कृषि हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, और उनमें से जितने ने आधार के बेसिस पे जितने उन्होंने पोर्टल में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, तकरीबन 9.8 करोड़ के करीब ने रजिस्टर किया है, जिसमें से 8.5 करोड़ को जो है वो ये इस निधि के माध्यम से पैसा मिल चुका है। और अभी तक पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 6.5 के करीब किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो उपलब्ध हैं किसान भाइयों को, तो मानना ये है कि कम से कम 3 करोड़ जो है इसकी भरपाई करनी है, और उसको किसी तरह से एक मिशन मोड में भारत सरकार ने कहा जी। तो तभी उन्होंने जितने भी ये अगर वो किसान भाई किसान निधि से भी जुड़ चुके हैं तो उनके लिए ये तो और भी आसान कर दिया गया है। यानी स्वतः ही फिर हम मान सकते हैं जो किसान
क्रेडिट कार्ड की सुविधा है वो उनको मिल पाएंगी? वो मिल पाएगी और उनके लिए उसमें कुछ उनको कुछ वो भी करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने एक पेज का उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कि यही डिटेल देनी है कि उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग है, कितनी जमीन है उनके पास, कौन सी वो फसल उगाना चाहेंगे। और उसमें अच्छी बात ये भी है कि 3 लाख का जो तक का जो लोन है उसमें उनको 7% की ब्याज दर से मिलेगा, और उसको अगर सही टाइम में समय पर वो वापस करते हैं तो उसमें 3% की उनको ब्याज में छूट भी मिल सकती, छूट भी मिलती है। तो ये मान के चलिए कि 4% की ब्याज दर पे उनको ये लोन 3 लाख तक मिलता है। बिल्कुल, काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ और शिकायतें आती हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम भास्कर जी से जानेंगे कि अगर शिकायतें आती हैं तो उनका समाधान उनको कहाँ पर मिल सकता है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं केसीसी, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं मछली चाष करता हूँ, तो जी मछली, जी मछली पालन आप करना चाहते हैं? लीज लिया है पुकुर लीज लिया है जी, 5 वर्ष का जी, 5 साल का जी, तो 2 साल हो गया, 3 साल है अभी जी, तो मेरा मैंने घाटा जा रहा है जी, मैं ठीक से पालन कर नहीं पा रहा हूँ और मैंने कुछ पैसा का जरूरत, इसलिए लोन लेना चाहता हूँ। चलिए बिल्कुल, ये जिस तरीके से बदलाव इसमें हुआ है भास्कर जी, कि जो हमारे जो दूसरे किसान हैं जो मछली पालन क्षेत्र से जुड़े हैं, डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं, वो भी इसके ज़रिए फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और चाहते हैं कि ऋण की अगर सुविधा इनको मिल पाए। देखिए, आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है और ये काम करना चाहते हैं तो उनको तो और भी ज़रूरी है कि उनको जो भारत सरकार से जो छूट मिल रही है, कम से कम बैंकों के माध्यम से वो उनको ऋण लें और अपनी जो मछली पालन है उसको और आगे बढ़ाएं जी। तो 2018-19 में इसको शुरू किया गया था और उसमें जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केसीसी में जो छूट वाली जो ब्याज है 7% तक, वो सिर्फ 3 लाख तक है। और उसमें भी उन्होंने एक ये प्रावधान रखा है कि जब से हमने डेयरी और मछली पालन का उद्योग को खेती को भी जोड़ा है, 2 लाख तक इसका उसमें लोन ले सकते हैं। लेकिन ये जो लोन है ये तो वो मछली के बीज के लिए या फिर उसमें जो उर्वरक डालना हो, और मतलब एक तरह से कैश क्रेडिट है, रोजमर्रा की जो उनको ज़रूरत है और मछली पालन के लिए, वो इसमें इससे ले सकेंगे। और क्योंकि नया है और ख़ासकर वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न एरिया जितना है, जहाँ पे कि पंजाब भी है, जहाँ पे कि मछली पालन बहुत जोर शोर से होता है जी, बिल्कुल बड़े पैमाने पर। हाँ, अभी तो इसको काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया है, बैंकों के पास भी इसके बारे में जानकारी है, उनके पास फॉर्म भी है, तो उनके पास जो भी जिस तरह का भी वाणिज्य बैंक हो या फिर जिस तरह की ब्रांच हो उसमें जाके वो उसका आवेदन कर सकते हैं और उनको यहाँ से लोन मिल सकता है। चलिए, जो निकटतम देखिए बैंक शाखा है आपकी, आप वहाँ पर जाकर इसकी और जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, उपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
उपेंद्र भाई सर, सर मैं उपेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, आप मेरे मलियाबाग के ऑर्चर्ड में आ भी चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि मिनिमम जमीन कितनी चाहिए किसान को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए? चलिए बिल्कुल भास्कर जी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जमीनें लगवा लेते हैं जी, और उस पे फिर उसको बाद मारी नहीं दे पाता। हम चाहते हैं मिनिमम जमीन कितनी चाहिए, यानी कम से कम जो जमीन की वहाँ पे हमें दिखानी वो कितनी आवश्यकता रहती है? भास्कर जी देखिए, वो तो उनको कितना वो ऋण लेना चाहते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जमीन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप उसमें मतलब इसका क्या कितना इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, कितने मिनिमम एरिया होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितना आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं जी, और कितने कितने अमाउंट का लेना चाहते हैं और उसमें कौन सी उपज करना चाहते हैं जी, उसके हिसाब से आपको अपने ज़मीन का ब्यौरा देना पड़ेगा। चल बिल्कुल, देखिए जो आपकी जिस तरह की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी हो सके आपको जो ऋण की सुविधा है वो मिल पाए, लेकिन कभी कभी समस्याएं बनी रहती हैं, उनका निवारण होना भी बेहद ज़रूरी। साथ ही यहाँ डॉक्टर कुमार आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि किस तरीके से जो हम पोषक अनाजों की बात करते हैं उनका समावेश जो है खाद्य सुरक्षा मिशन में भी हमें नज़र आता है, इसको और बढ़ाने के लिए क्या कुछ और कदम उठाए गए हैं? दालों दलहनी क्षेत्र में तो हमने देखा किस तरीके से जो रकबा है उसमें वृद्धि नज़र आती है, उत्पादन हमें बढ़ा हुआ नज़र आता है, और कैसे जो किसान हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस मिशन को? जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो हमारे पोषक अनाज है जी वो हमने इसमें 18-19 से इस पर विशेष ध्यान दिया है, और इसमें जो हमारे सभी प्रकार के जितने भी कंपोनेंट इंटरवेंशंस थी इस पोषक अनाजों में भी हमने वो लागू की है, जैसे क्लस्टर प्रदर्शन जी, जहाँ जहाँ जितना एरिया हमारा ज़्यादा एरिया है ज्वार बाजरा और रागी के अंदर, और जितने कोदो काकुन कुटकी का एरिया है जी, इसमें हमने एक जो है इसमें विभिन्न तरीके से जो है हमने जिलों का वो सिलेक्शन किया है, आइडेंटिफाई किया है कि जिस जिलों में 10,000 हेक्टेयर एरिया बाजरे के अंदर या ज्वार के अंदर है वो हमने इस मिशन के अंतर्गत लिए है जी, बिल्कुल। साथ में 5,000 हेक्टेयर एरिया वाले जिले रागी के अंदर लिए है, और 2,000 हेक्टेयर एरिया वाले जो क्षेत्रफल है वो स्मॉल मिलेट्स के उन जिलों का हमने चुनाव किया है जी, और इसमें हमने स्पेशल प्रोग्राम चलाए है, क्लस्टर प्रदर्शन है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है, एकीकृत कीटनाशी जीव प्रबंधन है जी, बिल्कुल। और साथ में हमने कुछ मशीनरी का भी इसमें जो टूल्स है और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है वो भी हमने इसमें, वाटर डिवाइसेज है उनमें भी हमने देने का किसानों को जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसमें प्रावधान किया है। साथ में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज है तीन जगह हमारे देश के अंदर, एक हिसार में जो बाजरे पर है, और हमारा बेंगलुरु में जो है स्मॉल मिलेट्स पर है, और जो हमारे सोरगम है ज्वार वो हैदराबाद के अंतर्गत है, वहाँ इसका वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर भी ट्रेनिंग और दी जाती है, और उस पर इनके बारे में काफी ये विषय में इनको बताया जाता है। पहलू हम मान सकते हैं प्रसंस्करण का, आपने जो यहाँ जिक्र किया है, क्या इनके प्रसंस्करण करके किसान को और ज्यादा लाभ मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब रॉ मटेरियल को आप वैल्यू एडिशन और प्राइमरी प्रोसेसिंग करके जब उसको मार्केट में लाया जाता है तो उसका रेट जो है ऑटोमेटिकली डेढ़ गुना हो जाता है या डबल हो जाता है जी, और वो जो है एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसके प्रोडक्ट जो है, क्योंकि इसमें ये स्पेशल है, ग्लूटेन फ्री है जी, और इसके अंदर आप देखेंगे कि रागी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आपके राइस में तो बहुत ही कम है, 10 ये जो है इसका प्रतिशत की अगर बात की जाए, और उसमें 444 मिलीग्राम है जी बिल्कुल, और ये स्पेशल है, इसमें जो आपका जो दूसरे मिनरल्स है जितने भी उसमें भारी मात्रा में जो है ज्यादा है, यानी हम मान सकते हैं इनकी देखिए जो पौष्टिकता है और गुणवत्ता देखकर ही सरकार की भी कोशिश यही है, जब खाद्य सुरक्षा मिशन हमारा चल रहा है तो उसमें इस पौष्टिकता को बढ़ाया जाए, यानी इसका समावेश भी इसमें किया जाए, जिससे ना सिर्फ जब हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं वो भी हर एक जो आमजन है वहाँ तक पहुँच सके। साथ ही यहाँ सुधाकर जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ स्वैच्छिक किया गया है लेकिन जब फसलों के चयन की बात भी आती है, क्योंकि कई किसान ऐसे जिनकी समस्या रहती है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो जिनका हम चाहते नहीं कि जो बीमा है वो बीमा के दायरे में आए, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो बीमा के दायरे में ना आए, इस बारे में आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा से हमारे साथ ये जुड़े हैं, सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी मैंने ओबीसी बैंक से केसीसी बनवाया था जी, और मैंने वो सर जी मैंने केसीसी बनवाया था जी सुरेंद्र जी ओबीसी बैंक से, और मैंने वो लोन कंप्लीट कर दिया, लेकिन
वो मैंने बीच में नहीं भरा था जी, वो सारा इकट्ठा भर दिया जी जी, और अब उन्होंने मेरे को डिफॉल्टर कर दिया। कितने समय बाद आपने उसको पूरा भरा है वहां पर? मैंने 4 साल के बाद भरा जी, जो अदायगी है। हाँ जी जी, और कंप्लीट कर दिया जी मैंने वो जी। कितने समय के लिए आपने लिया था इसको? ये तो केसीसी बनवाया था जो मैंने, किसान क्रेडिट कार्ड जी। बिल्कुल, यहाँ भास्कर जी जैसे ये बता रहे हैं समस्या आपने कि समय इनको थोड़ा सा लगा लेकिन अदायगी इन्होंने एक साथ उसकी कर दी, लेकिन फिर भी डिफॉल्टर जो लिस्ट बनी उसमें इनको अपना नाम नज़र आया होगा। क्या किस तरह का मापदंड रखा जाता है जो, और ये जानकारी किसान तक भी पहुँचे कम से कम? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है जिसको मतलब काफ़ी टाइम से जो चल रहा है, अभी तो 1998 से क्रियान्वित है जी, इसकी अदायगी जो है वो 1 साल की होती है, है ना। 1 साल अगर आपने जो लोन लिया है वो 1 साल के अंदर आप उसको वापस करते हैं तभी आपको उसमें छूट भी मिलती है जी। तो और चूंकि ये एक तरह से रिवॉल्विंग क्रेडिट है ना, क्योंकि किसान को जब भी वो खेती करेगा, नई खेती भी लगाएगा, उसको पैसे की ज़रूरत होगी जी। बिल्कुल, और पैसा कहाँ, लोन कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, वो बैंकों से मिलेगा लोन के माध्यम से। और देखिए, बैंकों के पास भी अपने कोई नोट छापने की जमीन मशीन तो होती नहीं है जी। जब तक आप जो बैंक लोन देगा जब तक वापस नहीं आएगा, वो आगे कैसे बांट सकेगा। तो अगर उन्होंने 1 साल मतलब उनको केसीसी लिमिट उनको दी और उन्होंने ठीक टाइम पे नहीं दिया तो वो डिफॉल्टर तो हो ही गए जी। बिल्कुल, इस वजह से हमने उनसे पूछा कि क्योंकि किसान को समय की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कितने समय के लिए आपको ये लोन मिला है, और वो शायद उतना बता नहीं पाए कि 1 साल की जो समय अवधि है वो बताई जाती है। लेकिन इसमें क्या हम मान सकते हैं जो समय से अदायगी कर देते हैं उनके लिए जो ऋण की सीमा है वो बढ़ सकती है? देखिए, ऋण की सीमा बढ़ जाएगी। ऋण की सीमा जो है वो जितनी उनकी ज़मीन है, जितनी पैदावार है, उसके हिसाब से उनको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो जैसे इंटरेस्ट सबवेंटेड जिसे कहते हैं लोन, जो कि मतलब जिसमें भारत सरकार छूट देती है जो 7% है, और फिर उसको ठीक टाइम पे देते हैं तो उसमें 3% का और मिलता है, 4% में लोन मिलता है। इनफैक्ट कई राज्य सरकार तो इसके बावजूद भी कोऑपरेटिव और रूरल जो RRBs हैं, ग्रामीण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उसमें भी अपनी तरफ से भी छूट देते हैं। तो ये मान के चलिए कई बार तो वो 1-2% देते हैं, तो 2% या कई जगह शून्य में भी लोन मिलता है। बिल्कुल, तो पर इसकी अदायगी बहुत ज़रूरी है ना, समय से अदायगी, समय, और समय 1 साल है। तभी अगर आप समय पे देंगे तभी आपको जो है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट से कहते हैं जी। बिल्कुल, तो वो तभी मिल पाएगा। आपकी जब आवश्यकता है तो बैंक आपके साथ खड़े हैं, और उसी वक्त ये ज़रूरी कि आप साल भर में अगर उसकी अदायगी कर देंगे तो ना सिर्फ ब्याज में छूट भी आपको मिल पाएगी, बल्कि अगर आप और ज़्यादा ऋण लेना चाहते हैं और उतनी ज़मीन आपके पास है और कौन सी फसल आप ले रहे हैं, तमाम कागजात देखकर जो ऋण की सीमा है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ सुधाकर जी, आपसे हम जानना चाह रहे थे जो इसके तहत जिन फसलों को लिया जाता है, तो क्या कुछ नई ऐसी फसलें भी इसमें शामिल की जाएंगी जो किसान चाहते हैं कि उनका बीमा हो सके, जो पहले इस दायरे में नहीं आती थी? देखिए, पहले तो इसमें सिर्फ जो खाद्यान्न फसलें थी जी और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स। बिल्कुल, जिसका कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है जैसा आप जानते होंगे, क्योंकि ये उपज के आंकड़े पे ही आधारित योजना है। जिसकी उपज के आंकड़े इकट्ठा होगी उसको पिछले साल की उपज के आंकड़ों से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल, जिसका उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है उसको योजना में शामिल करना मुश्किल होता है। तो वो कोई भी क्रॉप जिसकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होती है, इसके उपज के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उसको योजना में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस क्रॉप कटिंग करने के लिए भी मिनिमम जमीन चाहिए, कुछ क्षेत्रफल चाहिए जहाँ पर वो एक यूनिट में खेती हो रही हो जी, ताकि साइंटिफिकली जो है स्टैटिस्टिकल मेथड से गणना किया जा सके, एक औसत हम निकाल सके, औसत निकाल सके। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही दो खेत में होता हो तो उसका बीमा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो औसत निकालना मुश्किल होगा जी। तो कम से कम एक ग्राम पंचायत में 50 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर हो तो उसको राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है। लेकिन ये सारा का सारा दामोदर राज्य सरकार के ऊपर है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो देख पाती है कि कितना हम क्रॉप कटिंग कर पाएंगे जी, उसी को वो बीमित नोटिफाई करती है जी। बिल्कुल, ये मान सकते हैं कि क्योंकि कृषि जो है राज्य सरकारों का भी विषय माना जाता है, और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकारों पर पहुंचती हैं, उसके बाद उनको लाभ जो है यहाँ मिल पाता इसमें है। एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो कमर्शियल क्रॉप थी वो सिर्फ एनुअल कैटेगरी की कवर होती थी, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स जी। लेकिन इस रिवाइज योजना में भारत सरकार ने इसको जो पेरेनियल क्रॉप्स हैं उसका ही प्रावधान कर दिया है। अगर राज्य सरकार उसमें क्रॉप कटिंग कर पाएगी
तो पेरेनियल क्रॉप्स जैसे मैंगो हैं, गुआवा हैं, ये सब का बीमा हो सकता है अगर क्रॉप कटिंग रेटा राइज़ जो बागवानी की फसलें अगर हम कहें तो इनको भी अब धीरे धीरे शामिल करने की कवायद शुरू हो चली है। और इसका देखिए बड़ा फायदा जो है वो किसानों को मिल सकता है। प्राकृतिक आपदा जिसकी वजह से नुकसान हमें झेलना पड़ता है और ये नुकसान ना हो और होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें बीमा कराना ज़रूरी। हालांकि कुछ किसान ऐसे जिनको समस्या रहती थी लेकिन उन्हीं की मांग को पूरा करते हुए इसका स्वैच्छिक भी अब कर दिया गया है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार अलग अलग विषयों पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, विषय हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं जिससे संबंधित अगर आप अपने सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर तोमर आपके पास मैं आना चाहूँगा। लगातार हम जैसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा मिशन जो है सुनिश्चित किया जाता है, उसके साथ साथ हमारे जो पोषण सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होती है, लेकिन इसमें अगर एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ रहती हैं और उसमें भी जिस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य साल दर साल जो इजाफा इसमें होता आया है, या एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि जो रकबे में इजाफा होता है? नहीं नहीं, इसमें जो पोषक अनाज में रकबा हमारा 50% से भी नीचे हो गया है, कम हो गया है। जो रकबा हमारी बढ़ती है, 65-66 में 35 और 36 मिलियन हेक्टेयर होता था, आज इसके अंदर कुल 12.5-13 मिलियन हेक्टेयर रह गया है और इसके बावजूद प्रोडक्शन कभी कम नहीं हुआ। रकबा भले ही कम हो लेकिन उपज हमारी अच्छी है, पोषक अनाजों में कंटिन्यू बढ़ रहा है क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जी। ये एक बहुत ही अच्छा वो है कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है पोषक अनाजों की बहुत अच्छी है क्योंकि इसके ज्वार और बाजरे के अंतर्गत हाइब्रिड की जो प्रजातियां हैं वे बहुत विकसित हुई है और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, साथ में रागी की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है और तीनों का MSP भी बहुत अच्छा सरकार ने दिया है। बिल्कुल, ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो MSP जब हम कह सकते हैं कि जिसका फायदा किसानों को सीधे तौर पर मिलता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, नवाब जी स्वागत आपका। हमारे अलीगढ़ जिले में 29 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, क्या अब हम अलीगढ़ जिले के किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जाएगी? चलिए, ये अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हुई उससे नुकसान इनकी फसल को हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अतिवृष्टि की बात है
और ओलावृष्टि, ये दो चीज़ आप बता रहे हैं, तो ओलावृष्टि के कारण अगर आपके खेत में नुकसान हुआ है तो ओलावृष्टि के 72 घंटे के अंदर जो संदर्भ आपकी जो बीमा कंपनी है जिसने आपका बीमा किया है उसको आपको सूचना देनी होती है। सूचना तो या तो बीमा कंपनी को डायरेक्टली दें या जिस बैंक के माध्यम से या जिस एजेंट के माध्यम से हुआ उसे दें या निकटतम जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं कृषि विभाग के उसको दें। ये और वो जो अगर बीमा कंपनी के अलावा किसको भी सूचना देते हैं तो वो अगले 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को बताती है जी। और एक बार बीमा कंपनी के पास वो खबर चली जाती है तो अगले 48 घंटे के अंदर वो एक सर्वेयर नियुक्त करती है और सर्वेयर नियुक्ति के अगले 7 दिन के अंदर जिस किसान का नुकसान हुआ वो और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और बीमा कंपनी का जो प्रतिनिधि है वो तीनों मिलकर आपके खेत में आके सर्वे करते हैं जी। प्रोवाइडेड ओलावृष्टि से आपका नुकसान हुआ हो। अगर ओलावृष्टि नहीं हुई है सिर्फ बारिश हुई है तो बारिश के कारण इंडिविजुअल सर्वे का प्रावधान नहीं है। वो नुकसान अगर होता है तो बड़े लार्ज स्केल पे होता है, वो क्रॉप कटिंग के आंकड़े में वो दर्ज होता है और अगर कमी पाई जाती है तो सभी किसानों को समान रूप से दी जाती है। अगर ओलावृष्टि से अगर सर्वे के आधार पर होता है तो जिस खेत में नुकसान होता है उस खेत की गणना के आधार पर उस किसान को नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया भी कि हाल फिलहाल में जो नुकसान हुआ और किसान की समस्या ये रहती है कि जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी शायद वो समय से जो बीमा कंपनी उन तक नहीं पहुंचा पाते। ये देखिए आपको पहले 48 घंटे का प्रावधान था जी, पिछले एक साल पहले जो है इसको भारत सरकार ने 72 घंटे किए हैं, क्योंकि अगर जल्दी आप नहीं बता पाएंगे तो उसका सबूत खेतों में बचेगा नहीं, तो सर्वे करने के आने के बाद वहां पता नहीं चलेगा कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि बारिश होना या ओलावृष्टि होना नुकसान की गारंटी नहीं है, मतलब ओलावृष्टि हुई हो अगर हैवी हुई है नुकसान होता है तभी आप रिपोर्ट करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि थोड़ी थोड़ी कहीं बारिश हुई एकाध बूंद गिरी तो सारे किसान बारिश हुई करके रिपोर्ट कर देते हैं, जितना अधिक संख्या होती है नुकसान हो या ना हो उससे बीमा कंपनी और सारी मशीनरी जो है वो उसको संभाल नहीं पाती। इसलिए किसानों को मैं आग्रह करूंगा कि अगर नुकसान होता है खेत में जाएं, नुकसान अगर आपको दिखता है तभी रिपोर्ट करें और समय पर रिपोर्ट करें, आपके खेत में सर्वे होगा अगर ओलावृष्टि से हुई है तब। सिर्फ बारिश होने से ये सुविधा इसमें नहीं है, उसके लिए आपको क्रॉप कटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, देखिए आके अगर इस तरह की आपको आशंका लगती है कि जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है तब आप जो बीमा कंपनी है उसको सूचित कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं कृषि ऋण की जिसमें लगातार इजाफा भी होता है और ये एक हम मान सकते हैं किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं, यहाँ भास्कर जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि ना सिर्फ फसल के लिए बल्कि जो डेयरी क्षेत्र है हमारा वहाँ भी काफ़ी मदद मिलती है एक किसान को, लेकिन अगर हम इसमें देखें क्योंकि कई बार किसानों को लगता है कि अगर वो जैसा कि अभी यहाँ पर तोमर जी बता रहे थे प्रसंस्करण के ये काफी उन्हें फायदा मिलता है, जो डेयरी फार्मिंग में हमारा दूध प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो वहां कुछ लाभ एक पशुपालक को मिल सकता है इसके जरिए। अभी तो देखिए क्योंकि हाल ही में इसको चालू किया गया है जी, तो डेयरी प्रसंस्करण के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है, लेकिन इसमें जो उनको जो लोन मिलेगा ना वो खासकर उसके लिए मिलेगा कि चारे के लिए, उनको दवाई के लिए जी, उनको उसमें क्या कहते हैं अब जैसे प्रोसेसिंग के लिए तो उसमें तो निवेश ऋण चाहिएगा जी बिल्कुल, लेकिन जो मतलब रोज के काम के लिए उनको उसमें पैसे की जरूरत हो उसका उसमें प्रावधान रखा गया है, उसमें प्रावधान रखा है जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जाती है कि जो कहीं ना कहीं आपके सामने समस्या आती है उसका समाधान कैसे हो सकता है, और अगर खासतौर से पशुपालकों की हम बात करते हैं समस्या जो रहती थी अब उसके लिए केसीसी में भी एक विकल्प यहाँ पर उनके लिए सुझा दिया गया है, 2 लाख की एक ऋण सीमा जो है आपके लिए दी गई है जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर तोमर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने लगातार बताया कि खासतौर से पोषण सुरक्षा पर अब सरकार का फोकस हम मान सकते हैं और किस तरीके से कोशिश की जाती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो है ही लेकिन हर गांव तक आम जन तक जो पोषण सुरक्षा का एक संदेश है वो पहुंच सके इसके लिए क्या कुछ हम मान सकते हैं, क्या किया जा रहा है? वैसे तो जो डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जी, वो इन्होंने इसमें डिस्ट्रिक्ट भी आइडेंटिफाई की है जहाँ कुपोषण की ज्यादा समस्या है। वैसे इसके अलावा हम अपनी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उसमें हमने बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज जो ICAR ने डेवलप की है जी, उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं अपने विभिन्न क्लस्टर प्रदर्शन के माध्यम से और जो फ्रंटलाइन डिमोस्ट्रेशन है अग्रिम प्रदर्शन है ICAR के माध्यम से उनको हम जो है पूरे क्षेत्र में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे एक्स्ट्रा जिंक और एक्स्ट्रा आयरन या विटामिन ए
से जो है वे एनरिच है। लेकिन इसमें किसानों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है बायो फोर्टिफाइड के लिए? किसानों का रुझान है कि उनको जब अच्छी वैरायटी मिल जाती है और जिसकी हाइल्डिंग वैरायटी हाइल्डिंग होती है, जो हाइल्डर है उसको, तो वे तुरंत जो है कैच कर लेते हैं जी। तो इसमें अभी कुछ वैरायटी जो है बहुत अच्छी आई है, डूरम के अंदर भी आई है बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज, डूरम व्हीट में, और राइस की बहुत वैरायटी आई है, पर्ल मिलेट बाजरे में बहुत वैरायटी आई है, और आपकी मक्का में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो है अधिक से अधिक क्षेत्रफल में डिसेमिनेट हो और वहाँ प्रदर्शन लगे और किसान उसको देखे, तो उसके अनुसार फिर ये जो कुपोषण की समस्या है उस पर काफी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं जी बिल्कुल। और उसके लिए देखिए अलग अलग ना और इसके अलावा जो दलहन का है, दलहन का क्षेत्र भी हम बढ़ाना चाहते हैं कि किसान भाई इसे जो है सोल क्रॉप के रूप में, एकल फसल के रूप में, या इंटरक्रॉपिंग के रूप में, या गन्ने के अंदर भी इंटरक्रॉपिंग वो ले जी, तो अधिक से अधिक क्रॉप के बीच में, फसलों के बीच में विभिन्न दलहनी फसलों को उगाए, यानी समावेश होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका एरिया बढ़ाए जी। क्योंकि हमारा जो ये एनवायरनमेंट है इससे क्या होता है, दलहन की फसल जो है इस एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेती है, 78% नाइट्रोजन इस एनवायरनमेंट में है, और उससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है जी, साथ ही लागत भी हमारे किसान के इसमें कम आएगी। हाँ, जो आपको लगता है एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप कहोगे कि उद्योग इंडस्ट्री में भी इतनी सस्ती प्रोटीन हम पैदा नहीं कर सकते जितनी सस्ती जो है दलहन का पौधा दे सकता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से, अमरिंदर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों को केसीसी जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1,60,000 तक केवल पैन कार्ड आधार कार्ड पर होता है जी, तो क्यों नहीं देते बैंक वाले? बैंक वाले बोलते हैं कि ये सब केवल पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, हम यहाँ कुछ नहीं जानते। और क्या कहा जाता है आपको जब बैंक जाते हैं आप? बैंक में ही कहा जाता है कि यहाँ नहीं होता है जी, वैसे केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड पर 1,60,000। चलिए बिल्कुल भास्कर जी, ये बात है कि हम अधिकतम केसीसी की जो सीमा है, क्या हम मॉर्गेज करा के भी दे सकते हैं, ले सकते हैं दूसरे का जमीन भी? अगर हमारे बदले दूसरे मॉर्गेज कर दें जमीन जी, तो हमें केसीसी मिलेगी 5 लाख की या 3 लाख की? चलिए बिल्कुल, दो सवाल इनके, पहले जो उन्होंने बाद में सवाल किया उसको मैं ले लेता हूँ, क्या मॉर्गेज की जो ये बात कर रहे हैं उस पर इनको क्या ऋण सीमा बढ़ सकती है? अगर शिकायत ऊपर आएंगे हम इनकी, अगर इनके नाम से है तो जी, अगर इनके पास आप अपनी ज़मीन है और उन्होंने आगे और उसको और मॉर्गेज करके उन्होंने खुद ली है ज़मीन और ली है अपने नाम पे कराई है, मान लीजिए उन्होंने लीज में ली है ना, जैसे ये कहना चाह रहे हैं जी, तो एक्चुअली मॉर्गेज तो इनके पास होगी, मॉर्गेज तो बैंक के पास होगा ना, वो मॉर्गेज किसके अगेंस्ट होगा, लोन के अगेंस्ट होगा जी। लेकिन अगर उन्होंने अपने लीज लेके उन्होंने ज़मीन बढ़ाई है तो उनको लोन तो मिल सकता है, पर ये देखना पड़ेगा उनका पुराना रिकॉर्ड कैसा है। बिल्कुल, उनको जो उन्होंने लोन जो उन्होंने बैंक से लिया है उसको उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है, अदायगी किस तरह से की है उन्होंने जी। और हर एक बैंकर ये चाहेगा कि हमारे पास अच्छे से अच्छा काश्तकार हो और मतलब लोन ही इतना अच्छा हो ताकि उनको बैंक का भी नाम होगा, लेकिन बैंक को भी फायदा होगा। जैसे ये बता रहे थे बैंक में जाने पे कभी कभी समस्या का सामना करना पड़ता है, सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है, ऐसे में क्या कोई शिकायत कहीं एक किसान जो है वो दर्ज करा सकता है अपने? देखिए वो तो हाँ ऐसा है कि अब सभी ऑफिसर एक जैसे नहीं होते, सभी बैंकों में सभी के पास जानकारी है कि 1,60,000 तक ये जो बैंकों के जो अपना संघ है उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाला है कि 1,60,000 तक कोई उनको गारंटी या कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है जी। और उसमें अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो फिर अपने ज़िले में काफ़ी फोरम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है जी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में है, CDO होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर उनके ऑफिस में होते हैं, उनके माध्यम से ये बात कह सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि सुनवाई ना हो, सुनवाई अगर ब्लॉक, हाँ अगर ब्लॉक लेवल में है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, फिर उसके ऊपर जिले में होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जब कमेटी होती है, तो उन दोनों में अगर वो अपनी बात रखेंगे जरूर ऐसे जी बिल्कुल, ये सुविधाएं जो हैं वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं, और अगर आपको लगता है सुविधा का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये ज़रूरी कि जो भी फिर चाहे आप अगर बैंक में जाते हैं तो वहाँ जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो आपको ज़रूर बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आपको जो KCC नहीं मिल पा रहा, और अगर आपको लगता है कि शायद वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अलग भी विकल्प आपके पास है जहाँ पर अगर आप चाहें तो उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारी का सिलसिला, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार अलग अलग जगह से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 106 बीघा जमीन है मेरे नाम की। जी एक बीघा? 106 बीघा जी, जिसमें पिछले 7 साल से 30,000 रुपए दे रहे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक वाले। जी बढ़ाने की बात करते तो वो बढ़ा नहीं रहे सर, जो ऋण है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, ये आप बता रहे हैं? ऋण नहीं बढ़ा रहे हैं, पिछले 7 साल से 30,000 रुपए दे रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। कैसे बढ़ाए सर इसके लिए सुझाव? जी इस बारे में भी कुछ प्रावधान हम मान सकते हैं भास्कर जी यहाँ पे, जैसे इनका कहना है कि काफी समय भी हो गया है और जमीन भी अच्छी खासी है बता रहे हैं, तो क्या कुछ हम मान सकते हैं? जमीन है और क्या जमीन उपजाऊ है, क्या उसमें पानी उपलब्ध है, जमीन हो सकता है राजस्थान में है। देखिए अब राजस्थान में कौन सी जगह है, अगर वेस्टर्न राजस्थान में है तो वहाँ पे तो रेगिस्तान भी है जी, लेकिन श्रीगंगानगर है जैसलमेर जैसे जैसे इलाके हैं, रायसिंह नगर वगैरह हैं, वहाँ तो पूरी नहर से पानी मिलता है। खैर कहना यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड में जिस तरह की उनकी ज़मीन है और जिस तरह से वो खेती करना चाहते हैं उसके अनुरूप ही उनको लोन मिल सकता है। लेकिन कोई अगर बैंक खाली 30,000 कोऑपरेटिव बैंक खासकर अगर वो 30,000 तक ही उनको सीमित रख रहा है तो उसमें ये काफ़ी गलत है। जी बिल्कुल। तो इसका उनके पास और भी अगर विकल्प हैं तो इसकी जगह जैसे कि मान के चलिए कि और बैंक हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक हैं आजकल, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो गए हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं, तो क्यों नहीं उनसे जाके वो इसमें बातचीत करें और उनकी सीमा को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अगर आपको लगता है कि अगर एक बैंक में ही खास तौर से इस तरह की समस्या बनी हुई है तो दूसरे विकल्प भी आपके पास खुले हुए हैं, आप वहाँ भी जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर तोमर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अगर बात की जाए आने वाले समय में जो लक्ष्य हमारे निर्धारित किए गए हैं कैसे हम उनको मान सकते हैं कि वो हमारे पूरे होंगे, और जो एक और बड़ा लक्ष्य है किसान की लागत को कम करके उसकी आमदनी को दोगुना करना, साथ साथ हम मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये भी। जैसे जैसे किसी भी तकनीकी का प्रचार प्रसार होता है जी और किसान तक पहुंचती है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से, तो जागरूकता बढ़ती है किसान के अंदर, और उस जागरूकता बढ़ने से आप देखते होंगे कि पिछले कई वर्षों से लगातार उत्पादकता बढ़ रही है जी,
और इसमें जो आपने डबलिंग इनकम की बात की है, तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि उसमें हमें लागत को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है जी, और साथ में जितने भी दूसरे व्यवसाय है छोटे मोटे, जैसे डेयरी उद्योग है, मशरूम उत्पादन है, गोटरी है, पोल्ट्री है, पिगरी है जी, और वर्मी कंपोस्ट है, जितने भी छोटे छोटे बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है, उनको जो है उनको एडॉप्ट करना है जी उस खेती के साथ में। और आपकी खाली बी कीपिंग अडॉप्ट करने से ही आपकी फसलों की पैदावार, कई फसलों की पैदावार जो है 15% से 20% बढ़ जाती है, जैसे रेपसीड मस्टर्ड की फसल है, आपकी इसकी सूरजमुखी की फसल है जी, और दूसरी फसलें भी जो है उसमें भी पैदावार बढ़ती है। तो इस तरह के उद्योग धंधे अडॉप्ट करने हैं, यानी इस तरह के विकल्प हमें अपनाने होंगे जी। चलिए दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है जी, ये भी काफी जरूरी है, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल, और उसमें जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना है जी। बिल्कुल हाँ। ये बेहद जरूरी कि देखिए जहाँ आपकी लागत कम होती है, जो जैव उर्वरक हैं ना सिर्फ लागत आपकी कम करेंगे, बल्कि अगर हम भूमि सुधार की बात करें या पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं वहाँ भी ये काफ़ी कारगर। साथ ही यहाँ सुधाकर जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब इस योजना की हम बात कर रहे हैं और जो स्वैच्छिक वाला एक विकल्प अब इसमें आ चुका है, कब से लागू हो सकता है और कब से जो किसान हैं स्वैच्छिक रूप से अगर चाहते हैं तो बीमा करा सकते हैं, कोई उसकी तारीख अभी तो कुछ निश्चित हुई है? अभी देखिए ये खरीफ 2020 जो सीजन आने वाला है, राज्य सरकार उसमें टेंडर निकालेगी, कंपनियां उसमें इंपैनल की जाएंगी, इस कंपनी को किस डिस्ट्रिक्ट में कार्य करना है, एक बार वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है जी, हर सीजन के लिए सीजन के प्रारंभ में जारी करती है। उसके बाद जो किसान इसे जुड़ना चाहें स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, जो ऋणी किसान हैं वो चाहें तो स्वेच्छा से बाहर भी हो सकते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन जैसे हम देखते हैं जो किसान हैं जब बीमा कराते हैं तो पहले किसी दूसरी कंपनी से बीमा था, अब अगर वो चाह रहे हैं किसी दूसरी कंपनी पे जाने का, तो ये भी इस तरह का कोई इस बार स्वैच्छिक रूप से दिया गया है? नहीं, उस तरह का प्रावधान तो फिलहाल अभी नहीं है, ये कंसिडरेशन में है, हो सकता है भारत सरकार आगे वाले आने वाले वर्षों में इस तरह से चालू हो जाए। फिलहाल तो जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई एक कंपनी को दिया जाता है उसी कंपनी के माध्यम से बीमा कराना उसको पड़ेगा जी। बिल्कुल, देखिए जो विकल्प आपके क्षेत्र में है वो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, जैसे ही सीजन की शुरुआत होगी तब से माना जा रहा है कि जो स्वैच्छिक वाला विकल्प है आपके लिए लागू हो जाएगा। साथ ही जो मदद देने की बात है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की हमने यहाँ बात करी है, और यहाँ पर ये बेहद ज़रूरी कि जो सरकार की तरफ से योजनाएँ चल रही हैं इनका लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब तक हमें उनकी जानकारी नहीं होगी, जानकारी पूरी है तो बेहतर लाभ आप ले सकते हैं। फिर चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, उसके ज़रिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन अपनी फसलों का ले सकते हैं, अच्छा बीज जो है वो हमें उपलब्ध होगा। अगर आप अगर केसीसी आपके पास है, बेहतर तरीके से अगर आपको ऋण मिल जाता है, जो आवश्यकताएं हैं आपकी वो पूरी होंगी, और नुकसान से बचाने के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं लगातार चल रही हैं जो कि आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेंगी, पूरी हम कह सकते हैं जाँच पड़ताल की जाती है, उसमें निरीक्षण किया जाता है, और कोशिश यही की जाती है कि जो किसान है उसको नुकसान बिल्कुल ना उठाना पड़े। सरकार भी अब लगातार इन चौतरफा कदमों को देखें तो आगे बढ़ रही है, और एक प्रयास यही कि जो किसान है उसकी आमदनी दोगुनी हो सके, लागत को कम किया जाए, और इसके लिए जो तमाम योजनाओं का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। फिलहाल आज आप सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो आज जाना आपने ना सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी। अब चलिए आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, कल क्या विषय हमारे रहेंगे, खासतौर से बात करेंगे बसंतकालीन गन्ने की खेती के बारे में, और अभी का जो समय है यानी आप अगर आप चाहते हैं तो टमाटर की रोपाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो hellokisan2015@gmail.com ईमेल आईडी, इस पर आप अपना सवाल या सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं। एक और विकल्प आपके पास है, आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हमारी यही कि जो आपके तमाम सवाल आते हैं उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए, और जो जानकारी की जिसकी आवश्यकता है वो जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।